अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। देखिए आज मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ बेंगलोरी स्टाइल सब्जी, जिसको आलू पोस्टा बोलते हैं। देखिए ये चार बड़े आलू है, जिसको मैंने इस तरीके से कटिंग किया है। ये देखें, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। और ये है खसखस पॉपी सीड्स, ये है दो बड़ा चम्मच, जिसको मैंने भिगा के रखा था। और ये हरी मिर्ची है सात आठ, इसको दोनों को हमें पीस लेना है। और ये है कलौंजी, और ये दो लाल मिर्च है पक्की, ये थोड़ा हाफ टी स्पून हमको कलौंजी लगने वाला है। चलिए पहले हम ये पॉपी सीड्स और हरी मिर्च को पीस लेते हैं। इसमें मैंने जो पानी डाला था वही लिए हैं, और एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला इसमें, उसी से हम पीस लेंगे। देखिए हरी मिर्ची ऐड कर देंगे बस, और कुछ नहीं डालना है इसमें। इसको अच्छा बारीक फाइन पेस्ट कर लेना है हमें। ये देखिए हमने पीस लिया है मसाला। चलिए आप बनाते हैं। कढ़ाई रख दी मैंने मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम एक कप मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं। अब इस ऑयल को हमें अच्छे तरीके से गर्म होने देना है, उसके बाद ही हम इसमें ऐड कर देंगे कलौंजी। देखिए जब इसमें से धुआं निकलेगा तब इसमें हम हाफ टी स्पून कलौंजी ऐड कर देंगे। देखिए ऑयल गर्म हो रहा है अभी। देखिए तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम कलौंजी ऐड कर देंगे। देखिए और इसमें लाल मिर्च, इसको हल्का भूरा भूनना है जिस स्मेल आ जाए बस। इसमें हम आलू ऐड कर देंगे, आलू को अच्छा पानी निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से पूरा डाल के इसे अच्छे से भून लेना है, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। देखिए आलू भून गया अभी। बहुत इजी रेसिपी है, कितने आसान तरीके से बन रही है, कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैंने हाफ टी स्पून हल्दी डाला है। इसको इसी तरीके से और 5 मिनट हम भूनेंगे, और टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। देखिए अच्छी तरीके से भून लेना है बस 5 मिनट। हमने ना प्याज डाला है, ना कुछ लहसुन है, ना अदरक है, बस इसी तरीके से। ये बहुत टेस्टी बनती है रेसिपी, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए आलू अभी हल्दी में भी अच्छी तरीके से भून गया। अभी जो मसाला पीसे थे हम वो मसाला ऐड कर देंगे। अभी जो खसखस और हरी मिर्च पीसे थे उस मसाले में जितना हमने पानी लिया था उतना ही लिक्विड हम इसमें रखेंगे। इससे ज़्यादा पानी नहीं रखना है, नहीं तो उससे ज़्यादा आलू एकदम पिघल जाएंगे। उतना पानी काफ़ी है। ये देखिए इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से मसाले भून लेंगे आलू में, और फिर हम इसे लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट काफ़ी है इसको पकने के लिए, क्योंकि तो हमने तेल में अच्छी तरीके से आलू को भूना भी है। अभी कम से कम 20-30% तो ये पक ही गया है उसमें, बस और थोड़ा 5-7 मिनट पका लेंगे इस मसाले में लो फ्लेम पे, वो भी ढककर। देखिए सब्जी अब रेडी है। ये देखिए बहुत अच्छी बनी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। चलिए अब इसे सर्व करेंगे।
ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए कितना, बहुत ही थिक, बहुत अच्छी है सब्जी। ये देखें, चले आप भी घर में इसे ट्राई कीजिए, यकीनन आपके फैमिली को पसंद आएगी। चलिए अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट दें कि आपको ये सब्जी रेसिपी कैसी लगी। चलिए अल्लाह हाफिज़।